आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइम आए, जिस तरह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है एंड आप लोग आए, थैंक यू सो मच अपना प्रेजेंस दिया, आप सब ने अपना प्यार दे रहे हैं हम सबको। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे शोमिता जी ने बताया कि हमारा मेन मकसद जो है ओटीटी का, हमारा बेसिकली नॉन फिक्शन पे ज़्यादा जोर रहेगा, बिकॉज क्या है ना, हमारे कंट्री में, हमारी इंडिया में देखा जाए तो कम से कम 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरेटरीज हैं। मतलब अगर मैं जनता देखूँ, अगर मैं काउंट करने जाऊँ तो वो करोड़ों से भी ज़्यादा ही है। और उसमें भी सोचिए कितने लोगों के पास कितना ही टैलेंट होगा, कोई डांस में माहिर होगा, कोई सिंगिंग में माहिर होगा, कोई पेंटिंग में माहिर होगा, कोई एक्टिंग में होगा, बट ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मीडिया में आने का चांस ही नहीं मिल पाता। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इस पर ये उन सभी आर्टिस्ट को, सभी जितने भी हमारे कलाकार होंगे उन सब को प्लेटफॉर्म देगा। बिकॉज जैसे बताया कि हमारे से रियलिटी शो है 100 रुपये वाला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी सपोज, जैसे कोई भी एक्टर हो या कोई भी हो, या हम एज ए प्रोड्यूसर्स भी हो, उसी चैनल पे शो पिच करते हैं तो उनका ये डिमांड होता है स्टार कास्ट क्या होगा। मतलब सब्जेक्ट जो मेन होता है, सब्जेक्ट बोला था, सेकंड प्रायोरिटी हो रही थी कि पहले आपके पास सेलिब्रिटी कौन सा है और फेस कौन सा है। मतलब कहीं भी किसी भी, अगर हम प्लेटफॉर्म पर अगर बात करते हैं, हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर अपना एक प्रोजेक्ट भी पिच कर जाता है, उससे पहले उसी चैनल का, उसी प्रोड्यूसर का ये होता है पॉइंट कि आप ये बताइए कि आपके पास फेस कौन सा है जो आप इसमें, इस बेसिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप शोकेस करें। तो हमारे साथ ऐसा है कि हम जितने भी जो भी न्यू कमर्स हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो टैलेंटेड कलाकार हैं, उन सबको चांस देंगे ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे अलग दिखे। जितने भी एक्टर्स हैं, इतने सालों से वो सब मेहनत करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को चांस मिल पाता है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उन सभी चीज़ों को, फेस की जगह नहीं है, मेन टैलेंट की, हमें जो कहते हैं ना, एक इंसान को भूख होती है, तो एपिक्स को टैलेंट की भूख है।